हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आई वॉन्ट टू कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एगलेस ब्राउनी सिजलर की रेसिपी। इसको बनाने के लिए आपको कोई सिजलर प्लेट नहीं चाहिए और ये ब्राउनी काफ़ी इंस्टेंट और चॉकलेटी बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच बटर, ये नॉर्मल सॉल्टेड बटर है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 पीसेस डार्क चॉकलेट। ये जो बटर और डार्क चॉकलेट है आपको रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना, डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अमूल की 55% वाली डार्क चॉकलेट यूज़ की है, लेकिन आप इसकी जगह चाहो तो कोई भी कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को मेल्ट करेंगे, उसके लिए मैं इसे माइक्रोवेव कर रही हूँ। आपको इन दोनों को हाई पावर पर माइक्रोवेव करना है। मेरे माइक्रोवेव में सबसे ज़्यादा हाई पावर 800 वाट्स है। तो यहाँ पर ये मेरा बटर और चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मेरे माइक्रोवेव में इसे 30 सेकंड लगे, आपके माइक्रोवेव में थोड़ा समय ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप हर 10 सेकंड में इसे एक बार मिक्स करके देख लीजिए। अगर आप में हो जाता है तो आप उसी टाइम पे इसे निकाल लीजिए बाहर। सो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस। साथ ही 1.5 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 बड़े चम्मच तक भी यूज़ कर सकते हैं। और इस चीनी को हम चॉकलेट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का कोई भी लम्स है तो आप उसे स्पून से अच्छे से ब्रेक कर दीजिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच मैदा, 1/2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और 1 टाइनी पिंच सॉल्ट। इन तीनों को चॉकलेट में अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे दूध भी ऐड कर रही हूँ, लगभग 2 बड़े चम्मच। ये दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी नहीं हो जाता। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस बैटर में थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ब्राउनी का जो बैटर होता है वो केक की तरह फ्लोई नहीं होता, वो इस तरह से थिक होना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से रोस्टेड वॉलनट्स, इसे भी इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर ये एक मैंने माइक्रोवेव सेफ टिफ़िन बॉक्स लिया है, इसका मैंने ढक्कन निकाल दिया है और इससे मैं ब्राउनी बना रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी माइक्रोवेव सेफ बोल ले सकते हैं। और इसके ऊपर से मैंने बटर पेपर लगा दिया ताकि जो ब्राउनी उसे निकालने में आसानी हो। इसके अंदर अब जो हमने बैटर बनाया है वो सारा डाल देंगे। ये जो बैटर का मिक्स है ये मैंने एक पोर्शन के लिए बनाया, क्योंकि जो ब्राउनी सिजलर होता है वो हम जनरली एक एक पोर्शन में ही सर्व करते हैं। और इस बैटर को हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ ताकि इसकी एक इवन सी लेयर बन जाए। लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से रोस्टेड अखरोट, आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसे करूँगी माइक्रोवेव हाई पावर पे 1.5 मिनट के लिए, लेकिन आप इसे 1 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि किसी माइक्रोवेव में 1.25 मिनट में भी हो जाता है, किसी में 2 मिनट भी लग जाते हैं। मेरे में ये 1.5 मिनट में रेडी हो गया था। तो ये ब्राउनी अब बिल्कुल पक चुकी है। यहाँ पर मैं एक टूथपिक डाल के भी चेक कर रही हूँ, अगर आपका टूथपिक एकदम क्लीन निकले, उस पर कोई गीला बैटर नहीं लगा है, इसका मतलब है कि आपका ब्राउनी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसका सिजलर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म किया था। इसके ऊपर हम ब्राउनी रखेंगे, ब्राउनी के ऊपर से रखेंगे 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम और इसके ऊपर से आप ड्रिजल करेंगे लॉट्स ऑफ चॉकलेट सिरप। और सिरप डालने के बाद आपको वेट नहीं करना है, तुरंत से इसे गर्मा गर्म खाइए, तभी इसका मज़ा आएगा। मेरा तो शूट करने के चक्कर में थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अगर आपको भी ऐसी चॉकलेटी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।